Hey guys, this is your dost Juhi Gajrani and I am back with a new video. So, आज है फैशन वीडियो. जी हाँ, आज फैशन टिप्स देने वाली हूँ मैं आप लोगों को. आज जो है हम लोग साड़ी ड्रेपिंग करना सीखेंगे, वो भी नए स्टाइल में, जिसे आप लोग शादी पार्टी में पहन के जाएं तो बहुत ही गॉर्जियस लगने वाले हैं. चलिए फटाफट स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले मैंने यहाँ पर पेटीकोट पहन लिया, ब्लाउज पहन लिया है. आप लोग इसके नीचे जीन्स भी वेयर कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, बहुत ही ईजी वेयरिंग है इसकी. सो सबसे पहले जो है आपको साड़ी अच्छे से पहले ड्रैप करनी है, एक ही जो है एक ही बार ड्रैप करना है अपने आइट साइड से. सो पहले ड्रैप कर लेते हैं, देख लीजिए किस तरीके से कर रही हूँ मैं. वो दोनों तरफ से हमने ड्रैप कर लिया है. अब हम बनाएंगे छोटे छोटे से पल्ले, आप पल्ले भी बोलते हैं, प्लेट्स भी बोलते हैं, उनको बनाना स्टार्ट कर देते हैं. सो वो प्लेट्स मैंने धीरे धीरे बना रही हूँ, हवा की वजह से एक्चुअली प्रॉब्लम आ रही थी, बट स्टिल बना रही हूँ मैं धीरे धीरे. एकदम इक्वल बनानी है प्लेट्स, और उसके बाद क्या करना है देखते जाइए. ये साड़ी का लुक बहुत ज़्यादा क्यूट आने वाला है, बहुत ज़्यादा सेक्सी लगने वाले हो आप लोग इस साड़ी में, क्योंकि ये साड़ी का लुक जो है मुझे बेहद पसंद है. तो प्लेट्स बन चुकी हैं, अब हम इसे अंदर खोस लेते हैं, यानी इंटर कर लेते हैं अंदर. फटाफट इसको अंदर कर लिया है, देख लीजिए, कर लेते हैं अभी अंदर इसको. ये हो गया, जी हाँ. सो अब हमें जो है प्लेट्स को सिर्फ फ्रंट की साइड जो है अलग अलग करना है, ताकि फ्रंट का जो जो हमें दिखेगा सामने से व्यू, वो लहंगे की तरह दिखे. सो अलग अलग कर लिया है मैंने इनको, आप देख रहे हैं किस तरीके से मैं जो है धीरे धीरे खींच के प्लेट्स को अलग करना है, और वो पीछे का पल्ला वापस से पीछे लेकर आ जाना है. अब हम उस पल्ले का क्या करने वाले हैं, चलिए बताती हूँ फटाफट. सो ये देखिए, आगे का जो है हमने पूरा लहंगे की तरह बना लिया है, फ्रंट जो है हमारा. सो डन. सो अभी जो देख रहे हैं आप पीछे का पल्ला, ये उठाया आपको पीछे लेना है और शोल्डर्स के नीचे से लेना है गर्दन की ओर. देखिए एक बार, ये मैंने पीछे से दिखा दिया किस तरीके से लिया है मैंने. जी आपको अब लेना है शोल्डर के नीचे से गर्दन की ओर लेना है. आप देख सकते हैं मैं कैसे ले रही हूँ, मैं प्रॉपर दिखा रही हूँ आप लोगों को, पूरा ध्यान दे के देखना है. ये देखिए, ये पीछे गया पल्ला, पीछे जिसे जाएगा उसमें आपको जो है सेफ्टी पिन लगानी है. अगर आपकी साड़ी में लेस वगैरह नहीं लगा हुआ है तो आप गठान भी बांध सकती हैं. मेरे साड़ी में लेस लगा हुआ है, इस वजह से मैं गठान नहीं लगा पा रही हूँ. सो ये आ गया है फ्रंट में एक जैकेट की तरह. सो आपको यहाँ इसके सेंटर में भी एक सेफ्टी पिन लगाना है. सो मैंने ले लिया है सेफ्टी पिन और लगा लेते हैं इसको. सो या इट्स डन, लास्ट बट नॉट द लीस्ट पहन लेते हैं बेल्ट. आप कोई सा भी फैंसी बेल्ट जो है लगा सकती हैं अपनी कमर में, जो कि काफ़ी यूनिक लगता है इस ड्रेस कोड पे. ये जो ड्रेस है इसकी वजह से ही थोड़ा यूनिक लुक आता है इसका, और बहुत ही बेस्ट लुक देता है ये. ये साड़ी लगती ही नहीं, एकदम पूरा ड्रेस लगता है, कोई महंगी ड्रेस डिज़ाइनर ड्रेस का लुक देती है ये ड्रेस. तो आप देख सकते हैं. सो साड़ी हो चुकी है ड्रैप, आप इसका जो है फाइनल लुक देखते हैं. एंड या हियर वी गो. सो गाइज, अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब. वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा. अगर आप ये वीडियो फेसबुक पे देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ होती है आपके फ़ायदे की बात, और वो भी पूरे कायदे के साथ. साड़ी की ड्रैपिंग कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, कैसा लगा मेरा साड़ी का लुक प्लीज़ कमेंट करिएगा, क्योंकि आप लोगों की कमेंट्स और लाइक से जो है मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है. इस वीडियो में हम एम करते हैं कि कम से कम 200 लाइक्स आएंगे. सो चलिए पूरा वीडियो देख लीजिए. अभी आपको पूरे अच्छे से ही मैं ड्रैपिंग दिखा रही हूँ आगे पीछे से, कि किस तरीके से लुक आ रहा है. वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ 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 लाइक कर दीजिएगा, एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब. लव यू ऑल.